धनबाद सीट पर ढुल्लू महतो के नामांकन पर एनडीए का यहां शक्ति प्रदर्शन कर करीब 5 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। वहीं नामांकन सभा में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस मौके पर राजस्थान के सीएम भजन लाल ने भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, जबकि सुदेश महतो ने कहा है कि विपक्ष का दुल्हा कौन होगा ये भी अब तक तय नहीं हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। धनबाद सीट पर ढुल्लू महतो का नामांकन, नामांकन के बाद रोड शो और जनसभा। राजस्थान के सीएम भजन लाल की हुमका, कहा जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान बाबूलाल मरांडी, पीएन सिंह और राज सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद भव्य रोड शो हुआ। करीब 5 किलोमीटर के रोड शो में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आग बरसाती गर्मी में भी हजारों कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। यही नहीं, रोड शो के बाद गोल्फ ग्राउंड में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के सीएम भजन लाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी का नहीं। तारीख नहीं बताएंगे, कांग्रेस के विपक्ष के लोग कहते थे, अरे हमने तो तारीख बताने का काम भी किया, हमने तो शिलान्यास की भी तारीख बताई थी, आपने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, हमने तो तारीख भी बताई थी, आपको निमंत्रण भी दिया था, लेकिन आपने तो वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर तो ऐसा हुआ, जिसको टिकट दिया उसने कहा मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूं, 2-3 टिकट उन्होंने बदल दिए, जिसको टिकट दिया वो ये कह रहा मैंने तो मांगा ही नहीं था, मेरे को टिकट क्यों दे दिया। अरे भाई, जब आप राम के नहीं हैं तो राम आप में कहां से रहेंगे, उनका राम ही निकल गया। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, झारखंड में भी मैंने सुना है कि वो लड़ रहे हैं लेकिन बेमन से लड़ रहे हैं, उनका राम निकल गया, क्योंकि जब राम को आप काल्पनिक बना सकते हैं, काल्पनिक बता सकते हैं, तो भाई राम कहां से रहेगा। नॉमिनेशन से पहले ढुल्लू महतो ने चिटाही धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं नामांकन के बाद जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता सुभाष राय और ललन चौबे ने कमल का दामन थाम लिया। नामांकन सभा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी के अलावा धनबाद सांसद पीएन सिंह और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कोयलांचल के बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने के साथ धनबाद में गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से करने की अपील की। वहीं सुदेश महतो ने कहा है कि इंडी गठबंधन का दूल्हा कौन है ये तय नहीं है। 20 बार क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जिताना, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और उसे 6 महीनों के आते आते फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो आज गुंडागर्दी कर रहा है धनबाद की धरती पर, उस गुंडागर्दी को रातों रात समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे पास 10 साल से भारत की सेवा करने वाला नेतृत्व आदरणीय मोदी जी है, लेकिन जो लोग भारत दल में शामिल हो रहे, बराती टीम में शामिल होने की हुंकार भरे, सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपका दूल्हा कौन है, जिसका दूल्हा ही तय नहीं वो बराती जिंदाबाद। देश में मोदी जी के विकल्प का कौन चेहरा है, कोई चेहरा है क्या? यदि उनके विकल्प का कोई चेहरा नहीं तो उनके पक्ष में कोई वोट नहीं, कहीं निश्चय करके आपको तैयारी करना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ से विपक्ष के दांत खट्टे हो गए हैं। वहीं ढुल्लू महतो ने गरीब मजदूर को उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी का आभार जताया, साथ ही रिकॉर्ड मतों से जीत की अपील की। 5 किलोमीटर यहाँ 5 मिनट कोई नहीं चल सकता है, वहाँ आप लोगों ने 2 घंटे इस चिलचिला की धूप में चल करके अपने प्रत्याशी को जिताने का संकल्प जहाँ दिखाया है, वही विरोधियों के दांत पहले ही खट्टे थे और भी खट्टे करने का काम किया है, उनके हौसलों को पस्त करने का काम किया है। आने वाले 25 तारीख को आपका एक एक मत कमल के बटन पर दबे और इस भ्रष्टाचारी सरकार जो झारखंड की
कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको भी उखाड़ फेंकने का एक संकल्प हम 25 मई को दिखाएंगे। गर्मी और धूप बरसात हो, हम लोगों का पीछा हर तरह से विरोधियों ने ले चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक करता हर लोगों के दुख सुख में चट्टान पर खड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी विकास धारा बनाने में अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले पीएन सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने टुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है। धनबाद के दंगल में बीजेपी के टुल्लू महतो के खिलाफ कांग्रेस के अनुपमा सिंह ताल ठोक रही है। 25 मई को धनबाद में वोटिंग होगी, लेकिन रोड शो और नामांकन सभा में उमड़ी भीड़ से बीजेपी उत्साहित है और अब की बार रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा कर रही है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से भावना और अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।